हिमाचल के शिमला में सोमवार को कांग्रेस नेता और शिमला नगर निगम के पूर्व पार्षद नरेंद्र ठाकुर माल रोड स्थित सार्वजनिक शौचालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस शौचालय का मरम्मत कार्य 8 महीने से चल रहा है। टाइलें लगाने के नाम पर इतने समय तक इसे बंद रखा गया, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ। कारोबारियों के साथ आम जनता और सैलानियों को भी माल रोड पर बने इकलौते शौचालय के बंद होने के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। नगर निगम ने जब मांग के बावजूद काम पूरा नहीं किया तो पूर्व पार्षद धरने पर बैठ गए। पूछा गया कि आखिर कब इसका काम पूरा होगा। नगर निगम से पूछा कि यह क्या ताजमहल बनाया जा रहा है। पूर्व पार्षद ने कहा कि 40 करोड़ से बनने वाले ढली टनल की खुदाई पूरी हो चुकी है, लेकिन निगम एवं शौचालय की मरम्मत नहीं करा पा रहा। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में विकास का ठप हो गए, स्मार्ट सिटी के नाम पर ठेकेदारों की जेबें भरी जा रही हैं। हालत यह है कि शौचालय का लाखों रुपए का ठेका देने के बाद इसका काम तक पूरा नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।